दोस्तों ये नज़ारा जो दिख रहा है वो है राम झूला। अब मैं राम झूला की हम बस स्टैंड से कैसे जाते हैं राम झूला, और अगर हरिद्वार से जा रहे हैं तो कितना कॉस्ट लग जाता है, और ऑटो से जा रहे हैं तो कितना कॉस्ट लग जाता है, तो ये आपको पूरी जानकारी दूंगा। बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो दोस्तों ये आ गए हम लोग बस स्टैंड। हम लोग हरिद्वार से बस बैठे थे, हम लोग बाय बस सफ़र कर रहे हैं, बस से ही हमारी सफ़र हुई है। देखिए यहाँ पे हम अगर दूर से आ रहे हैं तो फ्रेश होने के लिए यहाँ पे हमको सारी सुविधा मिल जाती है। हमको यहाँ पे फ्रेश होने के लिए अगर रूम भी चाहिए या फिर हमको शौचालय होता है वहाँ जाके हम फ्रेश हो सकते हैं आसानी से, तो ये यहाँ से यहाँ पे सभी सारी सुविधाएँ उपलब्ध है। ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है। और आपको पीछे का दौर दिखाऊँ तो ये देखिए इधर पहाड़ पर्वत, ये बस है, ये इसी बस से हम लोग आए थे। प्राइवेट गवर्नमेंट बस है ये, तो गवर्नमेंट बस है हरिद्वार से ऋषिकेश का किराया 45 रुपये है एक का। ये देखिए इसी का दृश्य, यहाँ काफ़ी सुंदर दृश्य है। और ये लॉकडाउन में नवंबर हम लोग गए थे। ये हम ऑटो से आप जा रहे हैं राम झूला के लिए, आप ऑटो से जाएंगे राम झूला में तो 20 रुपये किराया रहता है एक का। लेकिन दोस्तों जब भी हम ऑटो में बैठे तो बार्गरिंग जरूर करें, यहाँ पे बिना बार्गरिंग के कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे सब लूट है, लूटने वाले से लोगों की संख्या कम नहीं है, यहाँ पे लूटने वाले संख्या बहुत है। तो देखिए हम जब भी बैठे ऑटो में तो बार्गरिंग करें, वो आपको अपना बताएंगे कि पूरे जगह हम घुमाएंगे, इतना पैसा लगेगा उतना पैसा लगेगा, तब इसमें बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा। तो ये देखिए हम ये इधर से आए हैं हरिद्वार की ओर के रास्ता, लेकिन बहुत ही सुंदर दृश्य है। ये देखिए इधर सभी तरफ से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बस स्टैंड से जस्ट थोड़ा से बाहर आएंगे राम झूला की ओर, वो वहाँ पे का दृश्य है ये। दोस्तों हम आ गए हैं राम झूला की ओर, आप ऑटो से उतर गए, वहाँ ऑटो बैठे 20 रुपये थी ऑटो वालों को, तो हम ऑटो से वो स्टेशन में उतारेगा, थोड़ा चल के हम यहाँ पे उतर गए। अब उतरने के बाद पैदल पैदल हम लोग आ रहे हैं राम झूला की ओर। यहाँ बहुत सारे ऑटो, ऐसे ही ऑटो होती है वहाँ पे, तो ऑटो वाले से बार्गेनिंग करने बिल्कुल मत भूलिएगा, वो बोलेगा 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, 70 रुपये, बहुत सारे ऐसे ऐसे हैं। आएंगे दोस्तों हम यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ शॉपिंग करें जो भी, जैसे लेडीज़ के लिए तो बहुत सारा यहाँ पे, लेडीज़ या लड़कियों के लिए बहुत सारा शॉपिंग करने का यहाँ पे आसानी से उपलब्ध है। दोस्तों अगर हम अगर कार हमारे खुद की कार से आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, हम अपने कार पार्किंग है, हम अपनी गाड़ी को और आसानी से वहाँ पे रख सकते हैं। और इधर उधर बिल्कुल भी खड़े मत कीजिएगा अपनी गाड़ी से आएंगे तो, क्योंकि यहाँ पे वैसे सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, नहीं तो क्या उठा ले जाएगा गाड़ी, आपको पता भी नहीं चलेगा, चोरी हो जाएगा। तो सब चीज़ का सुविधा दिया हुआ है, सुविधा का हमको लाभ उठाते रहना चाहिए। हाँ लेकिन कुछ पैसा लगेगा तो उसमें क्या है, और उसमें हमको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ से अब जा रहे हैं, यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये देखिए आपको बताता हूँ, यहाँ से हम गंगा जल वगैरह भी ला सकते हैं। ये देखिए सुन बहुत ही मतलब हम इससे यहाँ पे ये बोट का टिकट ले सकते हैं। अगर हम बोट से उस तरफ जाएँ, जैसे कि यहाँ पे झूला है, झूला से भी हम यहाँ पुल है, तो झूले से भी उस तरफ से इस तरफ आ सकते हैं या फिर जा सकते हैं। और अगर हमको नाव का मज़ा लेना है तो नाव का भी यहाँ पे, लेकिन हमको 20 पैसेंजर होने तक हमको वेट करना पड़ेगा। एक बार एक का 10 रुपया या 20 रुपये किराया है। हाँ मैंने देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है, और यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया। मतलब थोड़ी ठंडी के मौसम में जाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ठंडी में, जिसकी आप हम आ गए झूले पे, झूले का आपको दृश्य दिखा था, झूले की ऊपर से चढ़ने के बाद कैसा दिया, ऐसा लगता है कि मतलब मैं अपनी इच्छा तो जाहिर नहीं कर पाऊंगा, कितनी अब बहुत बेहतरीन लग रहा है ये। यहाँ पे राफ्टिंग करते हुए लोग राफ्टिंग भी करते हैं, जैसे ये राफ्टिंग करना है तो आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा आता है राफ्टिंग में भी। लेकिन क्या हम थोड़ा सा रिस्क नहीं उठाना चाहते, थोड़ा सा क्या पानी से होटल सा लगता है, इस कारण हम लोग राफ्टिंग नहीं कहीं किए। ये कितना सूरज, बहुत ही प्यारा दृश्य है यहाँ से। अब मछलियों का, सबसे ज़्यादा मछली यहाँ पे देखिए बीच पे, दोस्तों जब भी आए हम बीच पे आए और मछली को दाना जरूर डालें, बहुत ही प्यार, जैसे बहुत बड़ी बड़ी मछली होती है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी एक बार जरूर आइए ताकि वो राम झूला करता। आगे का और वीडियो में लक्ष्मण झूला और त्रिवेणी संगम बहुत सारे वीडियो आएगा, एक सब मैं नहीं दे सकता सबको, तो
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।